subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस पार्ट थर्ड, ये सबक नंबर एक 1991 के बाद की दुनिया, इसके अहम नुकात के साथ हम आपकी खिदमत में हासिल हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज ये सबक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म यानी कि इलाकाइयत। रीजनलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कंट्रीज कम टुगेदर टू आइदर क्रिएट और जॉइन सम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। दीज ऑर्गेनाइजेशंस मे बी बेस्ड ऑन द जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और ऑन कॉमन पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा कंसर्न्स। व्हाइल जियोग्राफिक लिंकेजेस आर इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स सम फंक्शनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज बिकम द बेसिस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। These can be in areas like transport and communication, energy, healthcare. The process of regionalism usually begins with a political dialogue among the participants. Similar ideological perspective or economic concerns may help me. The process of dialogue, such a dialogues may lead to the creation of an organization. यानी इलाकाइयत ये सर्द जंग के बाद के वक्फे में पैदा हुआ एक तंजीमी ढांचा है। इसमें अक्सर लोग, अक्सर जुग्राफी हदों के करीब रहने वाले लोग अपने माशी, सियासी, समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इन इलाकाई तंजीमों में शामिल हो जाते हैं। और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं, जैसे कि हमलों नकल के ज़राए, मवासिलात, या फिर एनर्जी, या फिर हेल्थ केयर से मुतालिक चीज़ें होती है, इस बारे में एक दूसरे से ताउन होता है। सर्द जंग के बाद के ज़माने में इलाकाइयत। इलाकाइयत एक अहम मुद्दा है, बैनुल अक़वामी पस मंज़र में बहुत अहमियत का हामिल है। बैनुल अक़वामी सियासत और तिजारी ताल्लुकात ने मौशी तारीख़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका फराहम करता है। बुनियादी तौर पर इलाकाइयत मुख्तलिफ ममालिक को मौका फराहम करती है कि वह अपने बुनियादी ढांचे, खसूसन रेलवे, सड़कों की तमीर, बिजली और बांध के बड़े मनसूबों को अमली जामा पहनाए। इस ज़माने में यूरोपियन यूनियन, सार्क जैसी तंजीमें सरगर्म अमल है। सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी एक उम्दा मिसाल है। व्हाट इज़ अ ट्रेड ब्लॉक? ट्रेड ब्लॉक क्या होता है? तिजारती ब्लॉक क्या है? अ ट्रेड ब्लॉक इज़ क्रिएटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशंस मेक स्पेशल एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। द एग्रीमेंट्स जनरली फोकस ऑन द रिलैक्सेशन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। The most common types of trade barriers are tariff, taxes on imports and quotas, limits on the quantities of various imports. Trade block क्या होता है? Trade block दरअसल एक ग्रुप के ममालिक के ज़रिए बनाया जाता है। इस ब्लॉक के ममालिक आपस में मुख्तलिफ माहदे करते हैं जो तिजारत, सनतकारी, सरमायाकारी और सियासी मसाइल को हल करने के मुतालिक हो सकते हैं। इन माहदों से इस ग्रुप के ममालिक को मुख्तलिफ किस्म की रियायत दी जाती है, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ वगैरह में सहूलत मिलती है। यूरोपियन यूनियन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉलोड बाय द कोल्ड वॉर गेव राइज टू अ कॉन्स्टेंट इंस्टेबिलिटी विच हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड द यूरोपियन कंट्रीज टू कम टुगेदर। इट इज़ ऑन दिस बेसिस द यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टैब्लिश्ड। द यूरोपियन यूनियन बिगैन एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉन्टेड टू फोस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, द आइडिया बींग दैट कंट्रीज दैट ट्रेड विथ वन another became economically interdependent and so more likely to avoid conflict. The European coal and steel community and European economic community were created for this purpose in 1951 and 57 respectively. यूरोपियन यूनियन क्या है? दूसरी जंग अजीम के बाद के ज़माने में सर्द जंग के दौरान अक्सर यूरोपीय ममालिक को अदम इस्तेकाम का ख़तरा लाहक रहता था। इस खतरे को दूर करने के लिए यूरोपीय ममालिक ने सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कमीशन नामी तंजीम कायम की, बाद में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी नामी इदारा भी कायम किया। 1951 से 57 के दौरान ये कोशिश की गई, सर्द जंग के बाद सियासी मंजरनामा बदलने से यूरोपियन यूनियन वजूद में आया। ये यूरोजोन के कंट्रीज़ है, इसमें कुल 26 मेंबर कंट्रीज़ है और कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज़ भी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, शेंजन एरिया वगैरह के बारे में भी। द यूरो वॉज लॉन्च इन द वर्ल्ड मनी मार्केट ऑन 1 January 1999। इट बिकेम द यूनिट ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल द यूरोपियन यूनियन स्टेट्स एक्सेप्ट द यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन एंड डेनमार्क। द जियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक रीजन डेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द
यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डेट हैव फुल्ली इनकॉर्पोरेटेड द यूरो एज अ नेशनल करेंसी इज नोन एज द यूरो जोन। यूरो एक करेंसी है, एक सिक्का है जो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था 1 जनवरी 1999 को। इसमें यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो। यूरोपियन यूनियन के क़याम के फौरी बाद में यूरोपियन यूनियन के नाम से इजरा यूरो की एक मुश्तरका करेंसी का किया गया। यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड को छोड़कर ने इस करेंसी को कबूल किया। इस करेंसी की शुरुआत 1 जनवरी 1999 में हुई। माशी और तजारती ताल्लुकात में बेहतरी और फ़रोग के लिए एक मुसलसल ब्लॉग बनाया गया और यूरो को कबूल किया गया। ये शेंजन एरिया के बारे में यहाँ पर है, इसमें कुल 26 कंट्रीज़ है। यहाँ पर शेंजन एरिया के और यूरोपियन मेंबर के ममालिक है पीले में, और थोड़ा सा हल्का जो है इसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर है लेकिन वो शेंजन मेंबर नहीं है, और इसके बाद का शेंजन मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। व्हाट इज़ द शेंजन एरिया? अ शेंजन वीज़ा अलाउज एलिजिबल इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल फ्रीली विद इन 26 पार्टिसिपेटिंग शेंजन एरिया कंट्रीज। दिस मीन्स ट्रैवलर्स इन यूरोप विल नॉट बी सब्जेक्ट टू बॉर्डर चेक्स एट इंटरनल शेंजन बॉर्डर्स एंड एंटर वेरियस शेंजन कंट्रीज। How does the European Union work? There are 4 key international institutions which work together to run the European Union: the European Commission, the European Parliament, the European Council and the European Court of Justice. The European Commission. The European Commission is the executive bureaucrat's arm of the European Union. It is mainly responsible for drawing up possible for new European legislation, and it implements the policy decisions of the European Parliament and the Council of the European Union. European Union ka aur European Commission. पहले देखते हैं शेंजन एरिया क्या है। ये शेंजन के ममालिक के दरमियान एक माहदा हुआ था जिसकी रोह से यूरोपियन यूनियन के ममालिक का हर शहरी बग़ैर वीज़ा के इन ममालिक में घूम सकता है। इसके कुल मेंबर ममालिक की तदाद 26 है। अब यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन अदालत पर मुश्तमिल है। इस तमाम की देखरेख के लिए खसूसी अमला और अफसरान नामजद किए गए हैं। द यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट के कुल 751 मेंबर है और जो 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, और उसकी जो बॉडी है उसमें लेजिस्लेटिव, सुपरवाइजरी और बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। यूरोपियन पार्लियामेंट कुल 751 मेंबरान पर मुश्तमिल है। ये मेंबरान बराह रास्त 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इस पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव और सुपरवाइजरी के साथ साथ बजट यानी तखमना मुख्तस करने वाली बॉडी भी होती है। इन तमाम के काम यूरोपियन यूनियन के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और ममालिक के मौशी हालात का जायज़ा लेने के बाद इसका बेहतर तालमेल बिठाने का काम होता है। द यूरोपियन काउंसिल, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ईच मेंबर स्टेट अकम्पनीड बाय देयर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड अ फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। द यूरोपियन काउंसिल मीट्स 4 times अ ईयर एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फॉर द यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन काउंसिल क्या होती है? यूरोपियन काउंसिल की तशकील में यूरोपियन यूनियन ममालिक के सदर, वज़ीर आज़म और हर मुल्क से एक एक नुमाइंदा लिया जाता है। हर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा इस तंजीम के फ़ाल कारकुन होते हैं। इस यूरोपियन काउंसिल के एक मुस्तकिल सदर होते हैं ताकि यूरोपियन काउंसिल बेहतर तरीके से काम कर सके। हर साल में 4 मरतबा मीटिंग होती है ताकि यूरोपियन यूनियन को इस्तेहकाम बख्शा जा सके। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरप्रेट्स एंड एडजुडिकेट्स ऑन यूरोपियन यूनियन लॉ एंड ट्रीटीज़। एज यूरोपियन यूनियन लॉ हैज़ प्राइमेसी ओवर द नेशनल लॉ ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन की अदालत बराए इंसाफ, यूरोपियन यूनियन की अदालत बराए इंसाफ एक आज़ाद इदारे के तौर पर काम करती है। यूरोपियन यूनियन के ममालिक के खवानीन पर यूरोपियन यूनियन के खवानीन को फौकियत हासिल है। अगर आला खवानीन में इंसाफ की पासदारी करने में किसी किस्म की रुकावट दरपेश हो तो इन खवानीन के तहत इंसाफ में बेहतरी लाने की कोशिश की जा सकती है। ये ब्रेग्जिट के बारे में मालूमात करना है। दो हज़ार सोलह का मामला है। पीपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके वोटेड टू लीव द यूरोपियन यूनियन इन अ रेफरेंडम। द यूके फॉर्मली ended its membership of the European Union at midnight of Friday 31st January 2020. This is called Brexit. Brexit is an assertion of British sense of nationalism. This shows that the concept of state is very much relevant in this era.
ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कौमियत का जज्बा आज भी बरतानिया की आवाम के जहन पर हावी है। इसके लिए बरतानिया में एक राय शुमारी रेफरेंडम लिया गया। इंग्लिस्तान यानी बरतानिया की आवाम ने बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से इलाहा ख़त्म करने पर जोर दिया। 31 जनवरी 2020 को बरतानिया मुकम्मल तौर पर यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया और अपने हकूक़ के लिए इसे अब एक लिया गया कदम करार दिया। सार्क, सार्क वॉज फाउंड इन 1985 एट ढाका। ओरिजिनली सार्क हैड 7 मेंबर्स, नेमली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इन 2007 अफगानिस्तान वॉज एडेड एज 8th मेंबर। मीनवाइल चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग विद 9 अदर नेशंस हैव बीन कन्फर्ड विद द ऑब्जर्वर स्टेटस। द मेन एम ऑफ सार्क वॉज टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग इन साउथ एशिया विद दिस कंटेक्स्ट। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट साप्टा केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1993। लेटर इन 2006 सार्क फ्री ट्रेड अरेंजमेंट वॉज एक्टिवेटेड थ्रू साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा विच रिप्लेस द अर्लियर रेजिम ऑफ साफ्टा। सार्क सरबरा ममालिक कौन से है? सार्क ममालिक की तंजीम की बुनियाद 1985 में ढाका बांग्लादेश में रखी गई। इसके मुंबर ममालिक में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीप, नेपाल, भूटान शामिल है। बाद में अफगानिस्तान को 2007 में भी इस तंजीम का रुकन बना लिया गया। अमरीका, चीन और यूरोपियन यूनियन इसके ऑब्जर्वर है, इस तंजीम के ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल है। इस तंजीम के मकासद बामी अफाम तफहीम के जरिए आपसी मसाइल को हल करना है। 1993 में साप्टा नामी एक तंजीम क़ायम की गई थी और 2006 में ये साप्टा से इसे बदल दिया गया ताकि तजारती ताल्लुकात इन 9 ममालिक के दरमियान अब और बेहतर तरीके से परवान पर चढ़ सके। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। SCO इज़ ईस्टर्न यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फाउंडेड इन शंघाई बाय द लीडर्स ऑफ चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इन द ईयर 2001 इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंड इन 2016। शंघाई तंजीम बराए बाहमी इमदाद। शंघाई बाहमी इमदाद ग्रुप में नामी तंजीम 2001 में वस्ती एशिया, रूस और जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम है। इस तंजीम में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन शामिल है। बाद में इस तंजीम में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। इस तंजीम का मकसद बाहमी तआवुन के जरिए तिजारत, माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और दिफा और दीगर कई मसाइल को हल करना। कई सारे बैन अलावा मसाइल और सियासी वाक़ात पर नज़र रखी जाती है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज क्रिएटेड इन 2009। इट्स ओरिजिनल मेंबर्स वर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका जॉइन इन 2010। ब्रिक्स मेंबर्स आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। दे हैव लार्ज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ G20। ब्रिक्स ये G20 मेंबरान हैं जो बहुत ही तेज़ी से तरक्की करती हुई सनती ममालिक है। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये 2009 में क़ायम की गई जबकि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। उभरती हुई बैन अलावा मईशतों में एक नए ग्रुप को शामिल किया गया है। इस ग्रुप के बुनियादी मुंबर ममालिक में भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका शामिल है। इन तमाम ममालिक का अहम मकसद दुनिया की उभरती हुई बैन अलावा निज़ाम में असलाहत करना और अपने मफादात का तहफ़ करना है। इस ग्रुप में दुनिया की एक तहाई आबादी के नुमाइंदे ममालिक के शामिल होने की वजह से इसकी अहमियत और बढ़ गई है। बिमस्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1997। ये 7 ममालिक पर मबनी एक कंट्री है जो मगरबी बंगाल एक तंजीम है जो मगरबी बंगाल के इलाके में वाक़ ममालिक से मिलकर बनी है। ये एक इलाकाई तंजीम है बिमस्टेक। इसका क़याम 1997 में अमल में आया था। इस तंजीम के मकासद में इलाकाई तरक्की पर जोर देना है और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन बढ़ाने पर जोर देना है।
इस तंजीम के ज़्यादातर ममालिक खलीज बंगाल से लगी सरहदों के हामिल ममालिक हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। G20, G20 क्या है? G20 इज़ एन इंटरनेशनल फोरम एस्टैब्लिश्ड इन 1999 फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। इट वॉज फाउंड विद अ प्राइमरी एम टू डिस्कस पॉलिसीज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिंस 2008। द G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट्स अलॉन्ग विद देयर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान अमंग अदर्स आर अ पार्ट ऑफ G20। इट दस एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया प्लेज एन एक्टिव पार्ट इन G20। G20 ممالک इस तंजीम का मकसद दुनिया में मौजूद 20 तरक्की पसंद ممالک के बाहम मरबूत तजारती ताल्लुकात को फ़रोग देना है। इस तंजीम में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, कैनेडा, जापान, रूस और यूरोपियन यूनियन के ممالک शामिल है। इसके साथ साथ भारत, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये ممالک भी शामिल है। इस तंजीम का क़याम 1999 में अमल में आया था। इस तंजीम के अहम ممالک के वज़राए खारजा पॉलिसी तय करने से पहले मुलाकात करते हैं। इसमें तमाम G20 ممالک के सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।